इस दुनिया में 7.9 बिलियन लोग रहते हैं, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उनमें से जो भी व्यक्ति सफल होते हैं वो दुनिया के 1% लोगों में आते हैं। वैसे 1% लोग ऐसा तो क्या जानते हैं, कुछ अलग जानते हैं, लेकिन हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि वो 5 रीजन कौन से हैं जिसकी वजह से हम असफल हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले भी और एक बात जाननी बहुत जरूरी है कि अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल बनना है, या तो फिर अपने लिए पैसे कमाने हैं, कुछ भी करना है, तो आपको सबसे पहले नई नई स्किल्स को सीखना पड़ेगा। अब स्किल सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो एक टाइम पर आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपकी जो स्किल होगी वो आज नहीं तो कल पैसे कमा कर देगी, आज नहीं तो कल वो आपको कहीं ना कहीं बेहतर इंसान बनाएगी। सो नई नई चीज़ें सीखो, और ऐसे जो भी आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो उससे जो भी सीखते हो उसे अपनी जिंदगी में यूज करो, ताकि आपकी जिंदगी बेहतर बन पाए। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। जी हाँ, 4 तरह के लोग, और आप इसमें से कौन से होंगे खुद डिसाइड करो और कमेंट में वो भी बता देना। नंबर 1, लो फोकस एंड लो एनर्जी। अब इस तरह के जो लोग होते हैं उनकी लाइफ में कोई क्लियर फोकस नहीं होता है और ना ही एनर्जी होती है, और इसी की वजह से वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। नंबर 2, लो फोकस एंड हाई एनर्जी। अब ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, आई थिंक 90% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। ऐसे लोग एक साथ बहुत सारी चीजें करते हैं, मतलब ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, और उनका फोकस एक चीज पर नहीं टिक पाता, और आखिर में मिलता क्या है, कुछ भी नहीं, 0। नंबर 3, हाई फोकस एंड लो एनर्जी। अब ऐसे लोग किसी काम को करने की सोच तो लेते हैं, लेकिन उनको डर रहता है, या तो फिर उनको कहीं ना कहीं दूसरे के काम देखकर डीमोटिवेशन हो जाता है, और इसीलिए वो पीछे रह जाते हैं। एंड नंबर 4, हाई फोकस एंड हाई एनर्जी। सिर्फ 10% लोग इस कैटेगरी में आते हैं, या तो फिर उससे भी कम आते होंगे, जिनका फोकस सही जगह पर होता है और उनके अंदर जुनून भी होता है, एनर्जी भी होती है किसी काम को करने के लिए, और ऐसे लोग किसी भी हाल में सफल होकर ही रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर जुनून होता है आगे बढ़ने का, कुछ करने का, और उनके अंदर एनर्जी भी वही होती है। इसीलिए अगर आपको सफल होना है तो पहले खुद को जानिए कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हो। आप ये ढूंढिए कि आप कौन सी चीज नहीं कर पा रहे हो, लाइक आपके पास लो फोकस है या तो फिर लो एनर्जी है। अगर दोनों में से एक ही है तो फिर आप अपनी एनर्जी को बढ़ाओ या तो फिर फोकस को बढ़ाओ, ये बहुत जरूरी है। अगर आपका हाई एनर्जी है, फोकस नहीं है, तो आप थोड़े कम काम करो और उसके बाद अपने फोकस को बढ़ाना स्टार्ट करो। अगर आपका फोकस बहुत अच्छा है और लो एनर्जी है, तो पहले आप एनर्जी को बढ़ाना सीखो, आप फोकस जहां पर ज्यादा लगाते हो तो थोड़ा डिवाइड करना सीखो कि मुझे एनर्जी कैसे बढ़ानी है, एनर्जी कैसे अपने अंदर लानी है। अब एनर्जी लाने का सबसे आसान तरीका एक है कि अपने आप पर भरोसा होना। जब तक आप अपने आप पर भरोसा नहीं करोगे तब तक वो एनर्जी नहीं मिलेगी। वैसे ये तो बात हो गई कितने टाइप के लोग होते हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ ऐसे रीजन भी होते हैं जिसकी वजह से लोग सफल नहीं हो पाते। अब उस पर बात करते हैं। सो ये बहुत ध्यान से सुनना। नंबर 1, अपनी पहली असफलता से निराश हो जाना। वैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पहली ही असफलता से निराश होकर हार मान लेते हैं और दोबारा कभी कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि उनको डर होता है दूसरी बार हार जाने का। उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं मैं फिर से फेल ना हो जाऊं, कहीं ये काम नहीं हो पाया तो क्या करूंगा, और उसी चक्कर में वो बेहतर नहीं बन पाते, ना तो वो अपने काम में बेहतर बन पाते हैं, ना तो वो आगे बढ़ पाते हैं। नंबर 2, अपने काम को कल पर टालना। वैसे ये एक आलसीपना भी होता है, और काफ़ी ज़्यादा लोग अपने काम को कल करेंगे ऐसा सोचते सोचते एक दिन, दो दिन, तीन दिन, ऐसे करते करते महीनों निकल जाता है। जो लोग किसी भी काम को करने की सोचते तो है लेकिन उसको कल पर टाल देते हैं, उन्हें सफलता हाथ कभी नहीं लगती। हर काम समय पर होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपने काम को कल पर टालोगे तो समझ लेना सफलता आज कभी नहीं मिलने वाली। आपको जो भी करना है आज करना है। नंबर 3, अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना आना। जो लोग सोचते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन वो सिर्फ सोचते रह जाते, करते कुछ नहीं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहना आता है और उससे कुछ भी नहीं होता। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि मैं ये काम करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। अरे मेरे भाई, एक बार रिस्क तो लेकर देखो, क्या पता आप सफल हो जाओ। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मौत तो नहीं हो जाएगी ना आपकी, आपको एक बार तो जिंदगी में ऐसा रिस्क लेना ही होगा जिससे आप एक नेक्स्ट लेवल पर जा पाओ। बहुत खराब से खराब सिचुएशन भी आ जाएगी ना
तो भी अच्छा ही होगा एक ना एक दिन। सो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और अपने आप को बेहतर बनाओ। नंबर 4, जिनके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है वैसे लोग भी असफल हो जाते हैं। ऐसे लोग जिन्हें पता ही नहीं होता कि लाइफ में क्या करना है, वो किसी एक चीज पर फोकस कैसे कर पाएंगे। ऐसे लोग आकाश की तरफ छोड़े गए एक बाण की तरह है, जिनको कोई दिशा ही नहीं मिल रही है। ऐसे लोग जो दिशाहीन होते हैं, मतलब कि ऐसे लोग जो जानते ही नहीं है कहाँ जाना है, तो वो कैसे सफल हो पाएंगे। इसीलिए अपने लक्ष्य को पहले फिक्स करके रखो कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है, और आपका मेन मकसद क्या है, मतलब गोल क्या है, वो सबसे ज़रूरी है। सो ये गलती कभी ना करो कि बिना गोल की ज़िंदगी जीना। आपका कोई ना कोई गोल होना ही चाहिए। नंबर 5, दूसरों की असफलता पर आलोचना करना। बहुत से लोग दूसरों की असफलता को देखकर उन्हें प्रोत्साहित करने की जगह उनकी खिल्लियां उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, जबकि उन्होंने खुद कभी कोशिश भी नहीं की होती है। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरों की खिल्लियां उड़ाने में ही टाइम बर्बाद कर देते हैं और अपनी जिंदगी को ऐसे ही बिता देते हैं। सबसे पहले अपनी जिंदगी पर झांको कि तुमने क्या किया है, ना कि दूसरे ने क्या किया है। दूसरे की गलती पर हंसने से बेहतर है कि उसको प्रोत्साहित करो कि भाई हाँ तू कर सकता है, और खुद को भी अंदर से मोटिवेट करते रहो कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। किसी और पर हंसने से तुम सफल नहीं हो जाओगे। नंबर 6, जो कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए उनके पीछे कड़ी मेहनत करनी ही पड़ती है। लोगों को क्या लगता है कि भाई आज उठे और कल करोड़पति बन गए, लाखों रुपए आ गए, ऐसा नहीं होता। आप जितना अपने काम पर मेहनत करोगे, अपने आप पर मेहनत करोगे, उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत ही नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से वो रिजल्ट को नहीं देख पाते और फिर दूसरों को कोसते रहते हैं। एक्चुअल में देखना ये है कि आप कितनी मेहनत करते हो। इसीलिए कहा जाता है कड़ी मेहनत ही सफलता की चाबी है। सो अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, और ये जितने भी आज हम रीज़न पर बात की, जो भी बातें की, उसे अपनी ज़िंदगी में उतारो, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को बेहतर बना पाओ। टाइम पास में तो ज़िंदगी गुजर ही जाएगी और आप भी गुजर जाओगे। सो अपने आप को बेहतर बनाने में टाइम दो और ज़िंदगी में ऐसे काम करो जिससे आपका भी अच्छा हो, आप भी सफल बन जाओ और दूसरे का भी अच्छा हो जाए। बेस्ट ऑफ लक आपकी ज़िंदगी और आपके सपनों के लिए। मैं हूं नीरज पटेल, मिलता हूं ऐसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड एंड स्टे फियरलेस।